वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 23 को और इसमें हम प्रूव करेंगे टेंजेंट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ पाई, या सिंपली ये कह लें प्रूव दैट पीरियड ऑफ टेन एक्स इज़ पाई। ये हम प्रूव करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम ये अप्लाई भी करेंगे कि टेन साइन और कॉज का पीरियड होता है 2π और टेन का पीरियड होता है पाई। तो सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट किया पी बी द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन, पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। अब यहाँ पर बाय डेफिनेशन हमें अप्लाई करना होगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, यानी अगर P टेंजेंट फंक्शन का पीरियड है तो देन क्या बनेगा, टेन ऑफ थीटा प्लस P इक्वल किसके आएगा, इक्वल आएगा टेन थीटा के, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। इसे हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1, ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, वी गेट, जब मैं थीटा 0 पुट करूँगा तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे टेन 0 प्लस पी इज इक्वल टू राइट साइड पे टेन 0। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी टेन पी और राइट साइड पे टेन 0। अब टेन 0 कहाँ होगा, टेन 0 होता है एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब है हमारे पास टेन 0 क्या होगा, 0। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं बिकॉज टेन 0 डिग्री को, 0 रेडियन को क्या लिख सकते हैं, साइन 0 ओवर कॉस 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होगा, टेन 0 हमारे पास क्या आएगी, टेन 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब टेन 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पी फाइंड करना है, तो पी क्या होगा, पी इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 0। अब हमें पता होना चाहिए टेन इनवर्स 0 क्या होगा, डेफिनेटली टेन इनवर्स 0 से मुराद के टेन 0 कहाँ पर होगा, तो टेन 0 होगा एक्स एक्सिस पे। तो हम इसे इस तरह राइट कर सकते हैं, पी इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर सम टाइम इस फॉर्म में राइट किया होता है, पी इज़ इक्वल टू 0 पाई 2π अप टू सो ऑन। अब रीज़न क्या है, मेंशन है जी कि P तो पीरियड है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। बेसिकली ये जो हम पॉसिबिलिटी मेंशन कर रहे हैं, ये टेन इनवर्स 0 की पॉसिबिलिटी मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इशू नहीं है। आप चाहे डायरेक्टली इसकी पॉजिटिव वैल्यू राइट कर दें या आप एक बार पॉसिबिलिटी राइट कर दें प्लस माइनस की, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे यहाँ पर फ़र्ज करें हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ़र्ज करें कि वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है टाइम को सेकंड में, हमें टाइम फाइंड करना है सेकंड में, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, हमने स्केयर रूट लिया यहाँ पर भी और स्केयर रूट लिया यहाँ पर भी, एक पॉसिबिलिटी ये है, हमने राइट कर दिया प्लस माइनस 4। और अगर एक्स टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो हम नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। और पॉसिबिलिटी क्या थी, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि जब हमें पता है कि x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू 4 ले सकते हैं, इसका क्या लें कोई इशू नहीं है। आप चाहे डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू ले लें, चाहे पहले प्लस माइनस मेंशन करके नेक्स्ट उसको पॉजिटिव ले लें, क्योंकि बुक में टेक्स्ट बुक में दोनों ही ऑप्शन मेंशन की हुई हैं। जब हम साइन का प्रूफ करते हैं तो उसमें प्लस माइनस दोनों ऑप्शन साथ मेंशन है, और टेन के प्रूफ में उसने डायरेक्टली पॉजिटिव मेंशन कर दिए हैं, तो दोनों ही ठीक हैं। इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
लेंगे इफ़ p इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर हमने p की वैल्यू पाई ली इन इक्वेशन वन, वी गेट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ज़ीरो क्यों नहीं ली। अगर मैं यहाँ पर p ज़ीरो पुट करूँगा वन में, तो ये तो बनेगा टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और पीरियड बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, और वैसे भी जब हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो ज़ीरो को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, पी से। इफ़ पी इज़ इक्वल टू पाई इन इक्वेशन वन देन वी गेट, इसका मतलब है इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी टेन टेन ऑफ थीटा प्लस पाई इक्वल क्या है, इक्वल है टेन थीटा के। अब हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो एक तो ऑप्शन ऐसे भी है, हम इसको अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा हमारा क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, पॉजिटिव। और ये है 180 डिग्री, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोर रेशियो चेंज नहीं होती, यानी टेन पाई प्लस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, ये बात ट्रू है। सेकंड ऑप्शन क्या है, हम टेंथ यूनिट में टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, हम इस पर अप्लाई करते हैं टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। जस्ट अगर एक दो स्टेप को एक्सटेंड करना है, तो अब टेन पाई मीन टेन 180, टेन 180 क्या होगा, ज़ीरो प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन 180 क्या होगा, ज़ीरो इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास टेन थीटा, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो बनेगा, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ही है। तो ये जस्ट यहाँ भी अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से हमें कंफर्म हो रहा है कि ये ट्रू है। जस्ट स्टेप एक्स्ट्रा करने से ये है कि ज़रा अगर ये पेपर में आता है तो उसमें एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मेंशन हो जाती है। तो ये क्या है, ये बात ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, टेन का जो पीरियड क्या है वो हमारे पास पाई है। तो हम लिखेंगे हैंस टेंजेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। अब यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिला, रिज़ल्ट क्या मिला, हमने सबसे पहले प्रूफ किया कि पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज़ साइन एक्स इज़ टू पाई। अब साइन का पीरियड टू पाई है, सेम कोस का पीरियड टू पाई है, और जो हमने प्रूफ किया जो टेंजेंट फंक्शन है टेन एक्स का जो पीरियड है वो हमारे पास है पाई, और सेम रेसिप्रोकल में पीरियड रहेगा। इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का पीरियड क्या होगा, उसका पीरियड भी 2 पाई होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट का पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा, और टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, उसका पीरियड भी क्या होगा, उसका पीरियड भी पाई होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने ये ड्राइव किया है। अब इनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 11.1 अटैम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का कॉस एक्स का पीरियड जो है 2 पाई है, और इनके रेसिप्रोकल का पीरियड भी 2 पाई है, और टेन और कॉट का पीरियड जो है क्या है, हमारे पास पाई है। तो ये लेक्चर था, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।